पेड प्लान्स के लिए सब्सक्रिप्शन की डेडलाइन 15 अप्रैल तक बढ़ाने और इस टाइमलाइन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने वालों से 3 महीने तक मंथली चार्ज ना लेने के रिलायंस जियो के फैसले का असर दूसरी कंपनियों पर पड़ना शुरू हो गया है। इंडिया की टॉप टेलीकॉम कंपनी एयरटेल को इस फैसले से मार्केट वैल्यूएशन में 4500 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। साथ ही आइडिया के शेयर में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि जियो के ताजा कदमों के कारण तीनों कंपनियों के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में अगली 4 तिमाही में बड़ी गिरावट आ सकती है। कंपनी के कारोबारी प्रदर्शन में ये अहम पैमाना होता है। यह किसी कंपनी के कर्ज चुका सकने की क्षमता का संकेत देता है। वहीं जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2018 के पहले और दूसरी तिमाही में तीनों कंपनियों के लिए एबिटा तिमाही दर कमी उसके अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकती है। ब्रोकरेज ने 1 अप्रैल को एक नोट में कहा कि हमें नहीं लग रहा कि फाइनेंशियल ईयर 2018 की तिमाही से रेवेन्यू एबिटा रिकवरी की पिक्चर साफ होने तक भारतीय और आइडिया के शेयर प्राइजेस आउट परफॉर्म कर सकेंगे। एयरटेल का शेयर 31 मार्च को BSE पर 0.2% गिरकर 349.95 रुपए और आइडिया का 1.44% गिरकर 85.70 पर बंद हुआ था। एक टेलीकॉम कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि जियो के ताजा कदमों से उसे कस्टमर्स जोड़ने और आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं पहले से कारोबार कर रही कंपनियों को मार्केट शेयर और एबिटा के मामले में नुकसान होगा। एबिटा लेवल घटने का अर्थ है कि आगामी महीनों में इन तीनों कंपनियों को ज्यादा फाइनेंशियल दबाव झेलना होगा, क्योंकि कर्ज चुकाने और 4G नेटवर्क में बड़ा निवेश करने में इन्हें मुश्किल होगी।